देखिए अजमेर के लिए आज बेहद खुशखबर आई है जयपुर से, और जहाँ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए अजमेर के लिए आज बेहद खुशखबर आई है जयपुर से, और जहां सबसे पहले अजमेर में जो फैजल नाम का युवक था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद उसका जो पूरा परिवार है वो कोरोना पॉजिटिव, पांच लोग पूरे पाए गए थे, वो उनकी जो रिपोर्ट है, अभी जो रिपोर्ट उनकी आई है वो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो ये अजमेर के लिए बेहद खुश करने वाली खबर है, अजमेर वासियों के लिए खुशखबरी है कि अजमेर के अंदर जो पांच लोग कोरोना पॉजिटिव थे अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। फिलहाल पांचों लोग जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे वो जयपुर में मौजूद हैं, उनकी अभी जांच चल रही है, उनका स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से उनकी देखभाल कर रहा है, पूरी निगरानी के अंदर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से संशय खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लोग थे जो इनके साथ में संक्रमित हुए थे उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया हुआ है। ऐसे में उनके अंदर फिलहाल अभी किसी प्रकार के संक्रमण नजर नहीं आए, लेकिन 10 तारीख तक सरकार ये देख रही है कि किसी प्रकार से कोई संक्रमण उनके अंदर दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। सबसे खास बात यह है कि 3 या 4 दिन बाद सरकार की ओर से एक बार फिर से जो फैजल का परिवार था उनकी कोरोना की जांच होगी। अगर वो जांच रिपोर्ट दोबारा से नेगेटिव आती है तो ये जो परिवार है उस परिवार को स्वस्थ घोषित कर तुरंत प्रभाव से घर रवाना कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनको 14 दिन तक हो सकता है ऐसा कि उनको होम घर पर ही रहना पड़े, होम क्वारंटाइन उनको खुद को रखना पड़े। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि अजमेर से जो शुरुआत में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव थे अब आज की तारीख में अजमेर के अंदर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है अभी तक इस रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि इस पूरे मामले में अजमेर की ओर से अजमेर का जिला प्रशासन है वो कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जयपुर के जो हमारे दूत हैं वो हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि फैजल का जो परिवार था उसकी 3 या 4 दिन बाद जो दोबारा कोरोना की जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के बाद ही आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि की जाएगी। फैजल का जो 5 लोग जो परिवार पूरे हैं उनको घर वापस रवाना किया जाएगा या जयपुर में ही रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़े संशय शुरू हो गए हैं, लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभी कुछ दिन पहले बैठक ली थी और उसके अंदर एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था जिसमें फैसला लिया गया था, कमेटी को ये जिम्मेदारी भी दी गई थी कि लॉकडाउन जब केंद्र का जो लॉकडाउन है अगर वो हट जाता है तो उसके बाद किन चरणों के अंदर लॉकडाउन को हटाना है। ऐसे में जब अजमेर के अंदर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं रह जाएगा तो अजमेर के लिए ये खुशखबरी की बात हो सकती है कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन जल्दी से तुरंत प्रभाव से अजमेर से मुक्त हो जाए। लेकिन बहुत सारे चरण इसके अंदर सरकार तय कर रही है, कमेटी गठित की थी, उस कमेटी की अपनी रिपोर्ट भी सरकार के पास लगातार जा रही है जिसमें कई तरीके के फैसले लेने का ली जा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआती तौर पर जितनी भी महत्वपूर्ण जरूरत की जो चीजें हैं जैसे कि अभी राशन की दुकानें खुली हैं, मेडिकल की हैं, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी खुलना शुरू हो जाएंगी, दुकानें भी कुछ कुछ हो सकता है कि सरकार दुकानों खोलने के अंदर भी राहत है। फिलहाल शहर के अंदर तमाम जो रेस्टोरेंट है वो बंद है, लेकिन अगर कोई भी कोरोना का मरीज यहाँ अजमेर में नहीं पाया जाता है तो 14 तारीख के बाद यानी कि 15 अप्रैल से हो सकता है कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी सरकार राहत दे दे। लेकिन इन चरणों के अंदर लॉकडाउन हटने के जो चरण रहेंगे इसके अंदर किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक जो हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग और जो थिएटर्स हैं इन लोगों को अभी किसी प्रकार की राहत शायद इस महीने ना मिले, लेकिन जो रिपोर्ट सरकार को कमेटी देगी उसके बाद ही किसी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे, और उम्मीद ये की जा सकती है कि 10 अप्रैल तक ये स्थिति साफ हो जाए कि लॉकडाउन हटने को